बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर कार। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टिव ब्रेकर की। ये दो रेटिंग में आता है, 40 एम्पीयर की रेटिंग में और 63 एम्पीयर की रेटिंग में। मोरा की तरफ से इसको बनाया जाता है और ये तीन ब्रांड है जो ये बनाते हैं, एक टेंस के नाम से मोरा और एक जो हमारे पास टॉमसन के नाम से है। तो तीनों ब्रांड अवेलेबल हैं। तो आज इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको किस किस इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर मबनी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप दोस्तों तक पहुँच करें। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास मोरा की डिवाइस है, आप देख सकते हैं इसको। और ये ड्यूल डिस्प्ले में आती है और तीन इसमें हमारे पास एलईडी इंडिकेटर्स भी हैं जो स्टेटस शो करते हैं। और डिजिटल डिस्प्ले है इसका, जिसमें हमारे पास वोल्टेज और करंट शो होता है। ये इसका डायग्राम है जो शो करके आप किस तरीके से इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। और ये मैनुअल साथ ही दिया जाता है इसके साथ। चार हमारे पास यहाँ पे बटन हैं, और ये डिजिटल डिस्प्ले ऊपर वाला वोल्टेज को शो करता है, नीचे वाला करंट को। और ये चार बटन हैं, दो बटन जो है ये अप डाउन मेन्यू में जाने के लिए यूज़ करते हैं, तीसरा जो है ये मेन्यू का बटन है और इसमें मोड सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं, चौथा इसको पावर ऑफ और ऑन करने के लिए। इसके अलावा दो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास और दो नीचे वाली साइड पे स्क्रूज़ हैं, जिसके अंदर हमने अपने लोड इन और लोड आउट की केबल निकाली है। और जब हम इसको बॉक्स से निकालेंगे तो ये इस तरह हमारे पास पैक होती है। इस जगह पे हमने अपने आउटपुट केबल्स लगानी हैं। और ये डिवाइस है जिसमें हमारे पास तीन, आप देख सकते हैं, लोअर वोल्टेज का एक इंडिकेटर है, हायर वोल्टेज का एक इंडिकेटर है, एक एम्पीयर का इंडिकेटर है और एक एलईडी इंडिकेटर है। तो चार बटन्स आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हैं और दो जो है हमारे पास यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले हैं, एक जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया करंट के लिए और एक हमारे पास जो है वो वोल्टेज के लिए, जो वोल्टेज को शो करेगा। वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास यहाँ ऊपर आएगी और जो करंट की वैल्यू है ये यहाँ नीचे आएगी। और ये यहाँ इस वाली साइड पे हम इनपुट केबल लगाएंगे जिससे हम अपना लोड चला रहे होंगे। यहाँ पर आउटपुट केबल कनेक्ट करके पूरा हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर है हमारे पास वोल्टेज का और ये इंडिकेटर है हमारे पास करंट का। और बाकी ये जो बटन्स हैं इसके साथ आप मोड सिलेक्शन कर सकते हैं और सेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो रेटिंग में 40 और 63 एम्पेयर की रेटिंग में आता है। एम्पेयर भी आप 0 से लेके 63 तक या 40 तक कोई भी सेट कर सकते हैं। ये इसको मैंने पावर अप किया, पावर अप करते ये इस तरीके से इसने हमें वोल्टेज दिखा दी है। आप देख सकते हैं 225 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास और ये डिवाइस हमारे पास डिले टाइम के साथ पावर अप हो रही है। इसका ब्लू इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया, जो शो कर रहा है कि इसके अंदर से करंट पास हो गया। अगर कोई भी हम लोड इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो लोड चल जाएगा। बाकी इसकी कुछ सेटिंग है, ये जैसे अपर वोल्टेज, लोड वोल्टेज, ये डिले टाइम, ये इसका आउटपुट करंट है हमारे पास, ठीक है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं आई आउट को। ये 40 एम्पीयर की डिवाइस है तो इसको हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, जितने भी हमने अपना कट ऑफ कराना है उतने भी हमारे पास वो वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी। तो 0 से लेके 40 तक कोई भी एम्पेयर की वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास अंडर वोल्टेज का है जिसमें हम अपनी वोल्टेज सेट कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज, और ये अंडर वोल्टेज। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि वोल्टेज आ रही है और अभी मैंने इसके साथ मल्टीमीटर कनेक्ट किया, जिसमें हमारे पास मल्टीमीटर पे भी वोल्टेज आ रही है और उस डिवाइस के पे भी आ रही है। तो इस डिवाइस से ये थे इस डिवाइस के तमाम फीचर। और बाकी इसकी परचेजिंग के हवाले से नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रॉल बार में आ रहा है और स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें तो ये चीज़ आपको आपके शहर में इंशाल्लाह 24 घंटे में डिलीवर कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं नई वीडियो में।